PCOD एंड PCOS एक बहुत बड़ी हेल्थ इश्यू बन चुका है हम लड़कियों के लिए। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज बहुत सारे लड़कियों को पता तक नहीं है ये होता क्यों है और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट्स या सिम्टम्स भी क्या है। तो चलिए आज उन सारी चीजों को जानते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं PCOD एंड PCOS है क्या और क्या इसमें कोई सिमिलैरिटीज है या डिफरेंसेस। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, नाम से ही पता चलता है ये डिजीज ओवरीज में होता है। सो होता ये है कि हम लड़कियां हर महीने एग्स रिलीज करते हैं, अगर ये फर्टिलाइज ना हो तो पीरियड्स दैट इज ब्लीडिंग के थ्रू हर महीने ये रिलीज हो जाते हैं। बट अभी जो हम लोग के लाइफस्टाइल है उसके वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं हम लोग के बॉडी में, जिसके कारण एग्स प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते हैं एंड अगर होते भी हैं तो वो इमेच्योर होते हैं एंड पार्शियली मैच्योर। और वो जब इमेच्योर एग्स रिलीज करते हैं वो धीरे धीरे सिस्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। चलिए अभी जानते हैं PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रम्स क्या है। ये भी मोस्टली सिमिलर ही है PCOD से, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ही होता है, बट ये थोड़ा सीवियर है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक, जो कि हम लोगों के बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू PCOD। दोनों ही कंडीशंस में आपके हॉर्मोन्स बैडली इफेक्ट होते हैं। हॉर्मोन से ये बात क्लियर कर देती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन मेल हॉर्मोन्स होते हैं, बट ये दोनों ही फीमेल बॉडी में पाया जाता है एंड ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि PCOD एंड PCOS के केसेस में कि मेल हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होने लगते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल हॉर्मोन्स, जिसके कारण मेल हॉर्मोन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक फेशियल हेयर, चेस्ट हेयर एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन ऑल ओवर द बॉडी, ये सब एक फीमेल के बॉडी पे डेवलप होना शुरू हो जाता है इन केसेस ऑफ PCOD एंड PCOS। बट PCOD में आपके लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस एंड फूड हैबिट में थोड़े से चेंजेस लाने से आप टू सम एक्सटेंट आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन PCOS थोड़ा सीवियर है। As I said earlier, कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका कंप्लीट क्योर होना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, बट विद अ प्रॉपर गाइडेंस अंडर अ गायनेकोलॉजिस्ट इट कैन बी पॉसिबल। और एक चीज, इरेगुलर पीरियड्स दोनों ही केस में एक कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन अगर आप एक चाइल्ड बियरिंग एज में हैं और कंसीव करने के प्लानिंग कर रहे हैं बट यू आर अनएबल टू, इट्स अ हाई टाइम टू गो एंड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि PCOD में आप कंसीव कर सकते हैं विद अ बिट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल एंड डाइट प्लान, बट PCOS में थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड गायनेकोलॉजिस्ट के हेल्प बहुत ही जरूरी हो जाता है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं PCOD एंड PCOS में, लाइक ओबिसिटी, इरेगुलर पीरियड्स लाइक लेस देन 8 पीरियड्स इन अ ईयर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, समटाइम्स हैवी ब्लीडिंग, समटाइम्स नो ब्लीडिंग एट ऑल एंड अ लॉट मोर। सो नाउ लेट अस नो हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम या उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रॉपर क्लीन डाइट। सेकेंडली रेगुलरली एक्सरसाइज करना, जिससे हम लोग के बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो थोड़े बैलेंस में आ जाए। एंड थर्डली जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स, डायबिटिक मेडिसिंस यूज किया जाता है, वो प्रॉपर डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही यूज करे टू ब्रिंग बैक योर हार्मोनल फंक्शन बैक टू नॉर्मल। चलिए अभी जान लेते हैं अगर हम लोग टाइमली ट्रीटमेंट ना स्टार्ट करें तो इसके रिस्क फैक्टर कितने बढ़ जाते हैं। नंबर वन, आपको फर्टिलिटी इश्यूज हो सकता है क्योंकि आपके ओव्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक कम हो जाता है इन द केस ऑफ PCOS एंड PCOD, जो कि कंसीव करने में बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकता है। नंबर टू, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पावर बहुत हद तक बढ़ा देता है जिससे आपको डायबिटिक पेशेंट इन द लॉन्ग रन होने के चांसेस बढ़ जाता है। नंबर थ्री, एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है, मोस्टली हाई इन द केस ऑफ PCOS एंड लो इन द केस ऑफ PCOD। नंबर फोर, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ योर हॉर्मोन्स
डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, मूड स्विंग्स, सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम्स के रिस्क बहुत हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के फंक्शंस प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाता है। बट द क्वेश्चन अराइज, इन सब चीज़ों को हम लोग डायग्नोस कैसे करें? फर्स्ट डायग्नोसिस स्टार्ट्स एट होम। जब हम लोग के पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाए, एक्नी प्रॉब्लम्स हो जाए या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाए, तो वी शुड गो एंड फर्स्ट विजिट अ गायनोकोलॉजिस्ट। आफ्टर दैट डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट टेस्ट्स, दैट इज पेल्विक अल्ट्रासाउंड। उससे बहुत हद तक पता चल जाता है कि आपको PCOS है या PCOD। ये अभी एक बहुत कॉमन डिजीज बन चुका है एंड यू विल फाइंड 1 out of every 5 or 10 फीमेल्स दिस डिजीज। एंड दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर माय फीमेल व्यूअर्स बट मेल व्यूअर्स टू। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल। एंड आई एम श्योर आपके लाइफ में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, मदर्स, सिस्टर्स या फ्रेंड्स, आप उनके लिए जेन्युइनली केयर करते हैं एंड उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपके लाइफ के कोई भी फीमेल कैरेक्टर्स इस सिचुएशन से या कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो प्लीज़ हेल्प देम आउट। एंड यस, दिस इज़ फॉर माई फीमेल व्यूअर्स। अगर आपके लाइफ में कोई भी मेल कैरेक्टर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, मेंटल इश्यूज या कोई भी तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो प्लीज़ हेल्प देम आउट टू। इट इज़ वेरी नेसेसरी वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम एंड हेल्प ईच अदर। कोई भी प्रॉब्लम टैबू नहीं होता है डिस्कशन के लिए। सो लेट्स कम फॉरवर्ड एंड स्पीक अप अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर पीपल गोज थ्रू। I hope this video was informative for everyone. If you like my video, then don't forget to hit the like button, subscribe my channel for more such content, comment down below and let me know how did you find this video, was it informative or not, and which topic are you looking forward from my next video, and share it with your friends and family for more information. Thank you.